अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश स्पेस अकेडमी। आज हम लोग सेकेंड ईयर का लेक्चर कवर करेंगे और सेकेंड ईयर के लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 17 यानी कि द एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कंटिन्यू है। और आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप अगर इसको सही तरीके से समझोगे तो आप देखोगे कि यार वाकई इस टॉपिक की वजह से जो क्वांटम फिजिक्स है वो बनी, मतलब ये क्वांटम फिजिक्स की जो बेसिक बात है प्रोबेबिलिटी वाली, वो इसी टॉपिक से आ रही है। और आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट है ना उसको देख लो। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन बोथ पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल साइमल्टेनियसली विद 100% एक्यूरेसी। कहने का मतलब ये है कि ऐसा इम्पॉसिबल है कि हम किसी पार्टिकल की पोजीशन और उसका मोमेंटम एक साथ मेजर कर लें, फाइंड कर लें विद 100% एक्यूरेसी। यानी कि हम मालूम तो कर सकते हैं पोजीशन और मोमेंटम मालूम कर सकते हैं किसी पार्टिकल का, लेकिन हम ऐसा 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि हमारी ऑब्जर्वेशन में, हमारी डिटर्मिनेशन के अंदर कुछ ना कुछ एरर आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर हम पोजीशन को सर्टेन करने की कोशिश करेंगे यानी कंफर्म करने की कोशिश करेंगे तो मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा, और अगर मोमेंटम को कंफर्म करने की कोशिश करेंगे तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी। ऐसा प्रिंसिपल जो है कहलाता है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सबसे पहले ये बात मैं आपको बताऊं कि ये जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल है, नॉट ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल। क्योंकि सबसे पहले मैं इसी वजह से इस बात को बता रहा हूँ कि आप बोलोगे ऐसा तो हमने कई मरतबा करा है, तो भाई याद रखिए क्लासिकल फिजिक्स के अंदर जहाँ पर हम बड़े ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, कार को स्टडी करते हैं, और जितने बड़े ऑब्जेक्ट्स हम लोग स्टडी करते हैं तो वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर यानी कि पार्टिकल्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर तो बहुत ही कॉमनली अप्लाई होता है, प्रोटॉन्स के ऊपर अप्लाई होता है, इन सब जो कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई होता है। ठीक है, तो मैथमेटिकली इस बात को समझ लो, लेट डेल्टा एक्स जो है ना वो अनसर्टेनिटी है पोजीशन की, यानी कि पोजीशन में आने वाली खराबी है, एरर है। ठीक है, इसी तरीके से डेल्टा पी जो है वो अनसर्टेनिटी है मोमेंटम की, वो मोमेंटम में क्या एरर आ सकता है, कितना एरर आ सकता है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक, हाइजेनबर्ग के मुताबिक, अगर ये दोनों अनसर्टेनिटीज हैं और हम मेजर करते हैं तो द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इन द ऑर्डर ऑफ एन अमाउंट इन्वॉल्विंग एच। एच के ऑर्डर में है और एच आपको पता है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट होता है। मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कि अगर हम मेजर करें मोमेंटम और पोजिशन किसी पार्टिकल का और फिर उन दोनों में जो भी एरर आए और उन दोनों एरर्स को हम मल्टीप्लाई कराएं, ठीक है ना, उनकी अनसर्टेनिटीज़ को, उनके दरमियान में जो आने वाला एरर है उनको मल्टीप्लाई कराएं, तो आंसर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई आता है। यानी कि एच अपॉन फोर पाई जो भी आंसर आएगा, एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट डिवाइड बाई फोर पाई कराएंगे तो जो भी आंसर आएगा यकीनन आंसर बहुत छोटा आएगा, लेकिन ये बात याद रखिए कि इससे ज़्यादा एक्यूरेट नहीं आ सकता। ठीक है ना, जो भी एरर आएगा डेल्टा पी और डेल्टा एक्स का वो एच अपॉन फोर पाई की वैल्यू के बराबर आएगा या फिर उससे ज़्यादा आएगा। ये जो मैथमेटिकली फॉर्म लिखी हुई नज़र आ रही है यही कहलाती है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स को हम पास करवा रहे हैं एक स्लिट से, ठीक है, हम एक स्लिट से पास करवा रहे हैं और ये रही आपकी जो स्लिट्स है, स्लिट का सेपरेशन जो है वो ये आ गया डी सेपरेशन है स्लिट्स के दरमियान का। ठीक है, तो अभी देख लो कि जो इलेक्ट्रॉन पास होगा ना उसकी मैं एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकता, बल्कि वो इतना बड़ा एरिया है जहाँ से पास हो रहा होगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से भी पास हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यानी कि उसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है ना मैं नहीं बता सकता। हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि वो डी डिस्टेंस के अंदर कहीं पर पाया जाता है। ठीक है ना, अभी यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर लो कि यहाँ पर जो हमने डिस्टेंस रखा हुआ है स्लिट्स के, जो स्लिट की विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली मैं पोजीशन तो नहीं बता सकता इलेक्ट्रॉन की कि पोजीशन क्या है। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास होगा तो नतीजे में आप देखोगे कि पोजीशन तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मैं मोमेंटम ज़रूर एग्जैक्ट बता सकता हूँ कि मोमेंटम कौन से एक्सिस में है। मोमेंटम है उसका एक्स एक्सिस के अंदर। ठीक है, तो अभी फिलहाल मोमेंटम को हम सर्टेनली बता पा रहे हैं लेकिन पोजीशन को हम सर्टेनली बता नहीं पा रहे क्योंकि स्लिट की जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो फिलहाल मैंने क्या कोशिश करने की, मतलब मैंने क्या कोशिश करी, मैंने कोशिश करी कि मोमेंटम सर्टेन रहे।
तो मोमेंटम की डायरेक्शन कंफर्म रही, लेकिन उसकी वजह से जो पोजीशन है वो मैं सर्टेनली नहीं बता सकता कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हुआ कि यहाँ से हुआ, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि इस डी रीजन के अंदर से कहीं से इलेक्ट्रॉन पास हुआ है। सो मोमेंटम सर्टेन हो गया तो पोजीशन हो गई अनसर्टेन। अब इसका रिवर्स कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं कि पोजीशन की सर्टेनिटी बढ़े। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने विड्थ जो थी वो कम कर दी, यानी कि अब मैं काफ़ी ज़्यादा सर्टेनली बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं से गुजर रहा है। ठीक है ना, अब मैंने पोजीशन को सर्टेन कर दिया, लेकिन हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन को पतली सी स्लिट से गुजारा जाए, ठीक है, बारीक स्लिट से गुजारा है, यानी कि पोजीशन को मैं सर्टेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अब उतना ज़्यादा एरर तो नहीं आ रहा ना, पहले तो इतना ज़्यादा डी था तो बहुत ज़्यादा एरर आता कि इलेक्ट्रॉन इधर भी हो सकता है इधर भी, अब तो सर्टेनिटी है मतलब कुछ लिहाज से कि यहीं कहीं से इलेक्ट्रॉन पास होगा। तो अगर हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो एंड में रिजल्ट हमें अजीबोगरीब मिलता है। अब जो मोमेंटम है वो अनसर्टेन हो जाता है। अब पोजीशन की सर्टेनिटी बढ़ गई थी कि इतना सा डिस्टेंस है जहाँ से इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है तो मैं तकरीबन एग्जैक्टली बता पा रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से गुजर रहा है, बट अब उसका जो मोमेंटम है वो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर आ गया। किसी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, किसी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, और किसी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम इस डायरेक्शन में, यानी कि फिलहाल हमारा जो मोमेंटम है ना वो अनसर्टेन हो गया। तो ऐसा मतलब ये प्रिंसिपल है, ऐसा हमने कई मरतबा कोशिश करा कि भाई किसी तरीके से दोनों चीज़ें एक साथ हम मेजर कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ एरर आ ही रहा होता है। अभी इससे पहले हमने मोमेंटम को अनसर्टेन रखा था तो पोजीशन अनसर्टेन हो गई थी, और फिलहाल अब हमने सर्टेन रखा है पोजीशन को तो मोमेंटम हो गया अनसर्टेन। और यही जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एक चीज़ को सर्टेन करो तो दूसरा अनसर्टेन हो जाएगा, यही है हाइजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अच्छा, यही प्रिंसिपल जो है वो टाइम और एनर्जी के लिहाज से भी है। ठीक है, क्या है कि अगर मैं मेजर करना चाहता हूँ एनर्जी ऑफ पार्टिकल, तो एनर्जी ऑफ पार्टिकल और टाइम एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, तो यकीनन किसी ना किसी एक के अंदर एरर आ ही जाता है। कहने का मकसद ये है कि अगर डेल्टा ई अनसर्टेनिटी है एनर्जी की और डेल्टा टी जो है वो टाइम है, तो एक एक्सप्रेशन है बिल्कुल इक्वेशन नंबर 1 की तरह, और वो है डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यानी कि जो इनके दरमियान का अनसर्टेनिटी होती है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 2 सेकेंड के अंदर मेजर कर पा रहा हूँ एनर्जी को, तो भाई अगर मैंने टाइम को सर्टेन कर दिया तो एनर्जी अनसर्टेन मेजर कर पाऊंगा, और अगर मैंने एनर्जी एग्जैक्टली मेजर कर ली तो यकीनन वो टाइम सर्टेन नहीं होगा, वो टाइम 2 नहीं होगा, 2 के आसपास कुछ होगा। तो जब भी एरर आएगा एनर्जी का और टाइम का, उनका भी प्रोडक्ट अगर मालूम करेंगे तो वो या तो एच अपॉन 4 पाई के बराबर आएगा या फिर एच अपॉन 4 पाई से ज़्यादा होगा। तो ये दूसरा तरीकेकार है जिस तरीकेकार से हम हाइजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को लिख सकते हैं। दैट्स इट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। और बात ये कि हम लोग तो सिर्फ अभी टच कर रहे हैं सिर्फ मॉडर्न फेज के जो टॉपिक हैं, इंशाल्लाह जब आप बड़ी हायर क्लासेस के अंदर जाएंगे तो आप लोग इस टॉपिक को ज़्यादा डेप्थ में भी स्टडी करेंगे। और फिलहाल अगर कोई कन्फ्यूजन है हमारे पेपर के लिहाज से तो बिल्कुल लिखिए कॉमेंट सेक्शन के अंदर, मैं कोशिश करूँगा कि उन्हें दूर कर सकूँ। इस लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।